जिंदगी में यदि कोई आपके बारे में अच्छा बोलता है, कहीं आपकी बात चल रही है अच्छा होने की, तो लोग आपके बारे में शक करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यदि कहीं आपके बारे में बुरा बोला जा रहा है तो लोग विश्वास कर लेते हैं। तो साथियों, यह है कड़वा सच। यदि आपको जो है आगे बढ़ना है और आप सही हैं, तो आपको किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए, परमात्मा आपके साथ में है। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त उपाय, जिस पे ना पैसे लगते हैं ना मेहनत लगती है, केवल आपने होले होले कर लेना है और करते करते ही इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। साथियों, हर कोई व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में अपने किचन की रसोई में नमक रखता है, साल्ट। नमक का प्रयोग, यदि नमक जो है कमी है आपके खाने में, साग में, सब्जी में, तो पूरे खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। नमक का उपयोग किया जाता है नेगेटिव एनर्जी को हटाने में, पॉजिटिव एनर्जी को लाने में। और नमक का जो कारक ग्रह है वो शनिदेव हैं। यानी कई लोग जो हैं इसमें सोचते हैं कि नमक का जो कारक है वो चंद्रमा है। नहीं साथियों, नमक का, लोहे का, तेल का और काले कपड़ों का जो कारक ग्रह है वो शनिदेव है। तो आपने शनिदेव को प्रसन्न करना है और अपने जो है किसी भी, यानी 12 राशियों में जिस भी जातक के जो है कुंडली में शनि कष्टी हो, जिस भी जातिका की कुंडली में शनि कष्टी हो और वो गृहिणी हो, माता हो, बहन हो, कोई भी हो, तो उसको क्या उपाय करना चाहिए, तो ये रेमेडीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आपने क्या करना है, पहली बात, आपने जो है किचन की रसोई में जिस बर्तन में आप नमक रखते हैं उसमें आपने क्या करना है, 2 लौंग डाल देनी है, वो उसी में रहे तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। दूसरा क्या करना है, एक कांच का जार लेना है, प्लास्टिक के उसमें नमक नहीं रखना है, और आपने जो है स्टील के बर्तन में भी नहीं रखना है, लोहे के बर्तन में भी नहीं रखना है, आपने कांच का एक बर्तन लाना है और उसमें नमक रख करके उसमें 5 लौंग डाल करके उसको कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां से आपने उसको यूज नहीं करना है, उसको रखे रखना है, तो उससे जो है घर के किचन में आपकी नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा, और घर के किचन में आप जो भी खाना बनाएंगे उसमें स्वाद होगा और कभी दिक्कत नहीं आएगी और कोई डर भी नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं साथियों, दूसरा उपाय क्या है, आपने क्या करना है, यदि आपके घर में जो है पति पत्नी में झगड़ा होता है, आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, एक दूसरे में वैचारिक मतभेद है, आपने एक जो है कांच की कटोरी लेनी है, उसमें नमक रख देना है और उसके अंदर आपने 2 लौंग डाल देनी है और उसको जो है ऊपर से प्लास्टिक से ढक देना है, बांध देना है, और उस कटोरी को साउथ साइड में, आपका जो कमरा है, बेडरूम है, उसके साउथ फेसिंग में आपने वो कटोरी कहीं पर रख देनी है, और उसको जो है जब तक जो है उसमें नमी ना आए तब तक उसको बदलना नहीं है, उसको वहां रखे रहना है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है और जो पति पत्नी में दिक्कत आती है और जो कलह क्लेश होता है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा आपने क्या करना है, यदि आपके शरीर में आलस्य आता है, आपकी बॉडी में पेन रहता है और आपको जो है शरीर में भारीपन महसूस होता है, तो आपने क्या करना है, सुबह नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा नमक की एक चुटकी भर डाल दीजिए, उस पानी से आप स्नान करिए, आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और स्फूर्तिवान आप महसूस करेंगे। क्या है कि कभी कभी जो है आपके घर में कोई व्यक्ति आ गया, किसी की नज़र ऐसी हो जाती है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति में 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनके देखने से या जो मन में ऐसा सोचते हैं कि अरे ये कैसा हो गया, इनके पास कैसा ऐसा है, ये कितना सुंदर है, तो उनकी भी कमी नहीं है, कुछ उनके ग्रहचाल इस तरीके की होती है कि वो नज़र लग जाती है, तो वो जो नज़र लग जाती है उसका उपाय है ये। तो जब आप जो है नमक, पीली सरसों और उसमें क्या है, आप 7 साबुत लाल मिर्च डंडी वाली भी रख सकते हैं
और उसमें कपूर रख दीजिए, 5 लौंग रख दीजिए, और उसको जो है कोटली बना करके उसको 6 बार जो है क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर, और शनिवार के दिन आप ये करें, या अमावस्या के दिन करें, या मंगल के दिन करें, रात्रि के टाइम पर खाना पीना खाने के बाद करें, और इसको फिर ले जा करके या तो आपके पास जो है लोहे का कोई बर्तन हो, या आपके पास हवन कुंड हो, तो उसमें जो है थोड़ा मिट्टी का तेल या लकड़ी डाल करके उसको जला दीजिए, और प्रातः काल उठ करके उसकी जो राख है उसको चौराहे के किनारे कहीं किनारे फेंकना है, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। यानी मेन चीज है कि यदि आपको नेगेटिव एनर्जी है, आप पे नजर बार बार लगती है, और आपको जो है बार बार कष्ट मिलता है, तो नमक का ये उपाय बहुत बेहतर है। इसको आप करिए, खुश हो करके करिए, और अच्छे से करिए, और शनि मंगल या अमावस्या को करिए, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। साथियों, नमक का जो प्रयोग है ये सम्मोहन करने में भी होता है और बसीभूत करने में भी होता है, लेकिन विशेष रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, क्योंकि कोई भी विद्या बनाई गई है किसी असहाय की सेवा करने के लिए, किसी दुखी को सुखी करने के लिए, कोई भी शास्त्र है या इंद्रजाल है या टोटके हैं, उनको शुभता को करने के लिए किया गया है, किसी दुखी को सुखी करने के लिए, किसी गरीब को अमीर बनाने के लिए। और यदि इसका प्रयोग कोई जो है सम्मोहन करने में, किसी को बस में करने के लिए करता है, किसी को अपने प्रेम में डालने के लिए करता है, तो वो उसके लिए घातक है। यानी आप किसी के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो परमात्मा आपके लिए गड्ढा जरूर खोदेगा। इसलिए जो है कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी के लिए गलत तंत्र ना करें ना करवाएं। हमेशा यदि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं सोचें। हाँ, यदि आपके लिए कोई बुरा करता है तो परमात्मा के आगे आप हाथ जोड़ करके बोलिए कि भाई फलां व्यक्ति जो है मुझे बार बार परेशान कर रहा है, हे परमात्मा तू उसे सबक सिखा, तो वो परमात्मा उसके साथ जो चाहे वो करेगा। इसलिए जो है आप किसी गलत क्रिया से बच जाएंगे। तो साथियों, ये जो उपाय मैंने आपको नमक का जो बताया, बहुत ही अकट्य उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। अगर आप 4 उपाय नहीं कर सकते, 2 ही करें, लेकिन लास्ट का जो पोटली वाला उपाय मैंने आपको बताया, वो आप मंगल या शनि को जरूर करें। यदि आपको लगता है कि मेरे घर पे नजर बाधा है, हाथ टोक है, किसी ने कुछ कर दिया है, जिन जिन्नात की प्रॉब्लम हो गई है, या कुछ ऐसी अन्य कोई दिक्कत हो गई है, या शरीर भारी लग रहा है, आंखों में भारीपन है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, तो ये उपाय आपके लिए है। ये उपाय आप करेंगे तो करते करते ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने अन्य साथियों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं। और साथियों, यदि आपको कोई सुझाव चाहिए और कुंडली में आप प्रेडिक्शन चाहते हैं, अपना अपने बारे में पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी संपूर्ण मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करें। आप सुखी रहें। जय जय श्री राधे।